चलिए अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। जब हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं तो इमेजिनरी नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, देखिए बिल्कुल सिंपल है। ऑल नंबर आर इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट रियल नंबर। रियल नंबर को छोड़ने के बाद जो नंबर होते हैं उन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्यों इमेजिनरी बोलते हैं पहले ये भी समझें। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि अंडर रूट फोर की वैल्यू निकालिए, अभी तो आपको पता है, आप बोल देते हैं प्लस माइनस टू, पर मैं बोलूं कि अंडर रूट फोर की वैल्यू मुझे निकालना नहीं आती, तो आप ऐसे ही निकालते ना, अंडर रूट फोर इक्वल टू लिखते लेट एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते तो फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, क्या होता एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू टू और माइनस टू, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है बात। पर अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे अंडर रूट माइनस फोर की वैल्यू चाहिए, तो आपने मान लो इसको एक्स ले लिया, सपोज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो माइनस फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक बार बताइए क्या किसी स्क्वायर नंबर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस फोर कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इमेजिनरी हुआ। जो चीज पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रूट नाइन आप निकाल सकते हैं, आपने x माना एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, आपने कहा x इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, पर मैं बोलूं कि आप रूट माइनस नाइन निकालिए तो आप इसे x मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, देन अगेन इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जो पॉसिबल ना हो, जिसको आप सॉल्व ना कर पाए, तो ये रियल हुआ ये इमेजिनरी हुआ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नंबर रियल नंबर नहीं है वो इमेजिनरी है, और जो नंबर रियल है, इमेजिनरी को हम पूरा हटा दें तो उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो वो क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर हुआ। तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर में काउंट करते हैं, लाइक रूट माइनस वन, रूट माइनस टू, रूट माइनस थ्री, ये सब इमेजिनरी नंबर है। अब इसके लिए एक पूरा एक चैप्टर भी है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पर, क्योंकि अभी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं और एक जनरल टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि बार बार रूट माइनस रूट लिखते हैं हम, जैसे रूट फोर हमसे बोला जाए तो हम बोलते हैं टू, अगर रूट माइनस फोर लिखा है, सपोज रूट माइनस फोर लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर रूट माइनस फोर लिखा है तो मैं ऐसा तो लिख सकता हूं रूट माइनस फोर को, रूट माइनस फोर को रूट फोर इंटू रूट माइनस वन, यानी टू रूट माइनस वन, यस और नो। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिससे कि कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप उलझे ना। रूट माइनस नाइन लिखा है, आप लिख सकते हैं रूट नाइन रूट माइनस वन, मतलब थ्री रूट माइनस वन। रूट माइनस फाइव लिखा है तो रूट फाइव इंटू रूट माइनस वन लिख सकते हैं। इसका मतलब एक जनरल बात करूं मैं, अगर एक जनरल बात करूं तो रूट माइनस ए इक्वल टू रूट ए इंटू रूट माइनस वन लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी रूट के अंदर कोई क्वांटिटी होगी तो रूट माइनस वन जरूर आएगा, तो हम एक रूट माइनस वन को नए टर्म से डिफाइन करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड आयोटा, डोंट कॉल्ड आई, दिस इज कॉल्ड आयोटा। तो ये हुआ रूट माइनस वन। और अगर हम थोड़ी सी आयोटा की प्रॉपर्टी देखें तो रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन यानी आयोटा इंटू आयोटा करें, आयोटा स्क्वायर, तो क्या होगा, ये होगा रूट माइनस वन का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल तो माइनस वन, यानी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वन, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वन। अगर मैं आपसे बोलूं कि आयोटा क्यूब करें तो आप बोलेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बस बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये हुआ माइनस ऑफ आयोटा। एंड आयोटा फोर अगर आपसे बोला जाए तो आयोटा फोर होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस वन इंटू माइनस वन, एंड दिस इज प्लस वन। तो इसका मतलब हम यहां पर एक कंसेप्ट बना लें कि आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा फोर इक्वल टू वन, आयोटा फोर इक्वल टू वन। एंड रिमेंबर, अब आपसे अगर मैं बोलूं
कि रूट माइनस फोर क्या होगा, तो आप बोलेंगे टू आयोटा। मैं आपसे बोलूं कि रूट माइनस नाइन क्या होगा, आप बोलेंगे थ्री आयोटा। मैं आपसे बोलूं रूट माइनस सिक्सटीन क्या होगा, आप बोलेंगे फोर आयोटा। रूट माइनस फाइव क्या होगा, तो आप बोलेंगे रूट फाइव आयोटा। यानी जब रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो वो इमेजनरी नंबर हो गया। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बार एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था, आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा इंटू आयोटा मीन्स रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, आप इसे बोलते हैं माइनस वन। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था वो बताता हूं। क्वेश्चन ये था कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू हम बोलते हैं रूट ए इंटू रूट बी। तो रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, रूट वन इक्वल टू वन, ये हो गया आयोटा इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या वन भी हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हो तो आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, नहीं तो आप बोल सकते हो हाँ सर हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस वन ही होता है। पूछने वाले ने आपसे जब ये बोला तो ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें इनकम्प्लीट पढ़ते हैं। रिमेंबर आपको यहां पे बताना पड़ेगा रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी होता है सर, बट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन जीरो। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल रियल नंबर के लिए वैलिड है। जो भी इंडाइजेस रूल हमने पढ़े हैं वो केवल रियल नंबर के लिए वैलिड है, इमेजनरी के लिए नहीं है। ये दोनों इमेजनरी नंबर है, इसलिए रूट माइनस वन को हम माइनस वन इंटू माइनस वन नहीं लिख सकते। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर प्लस वन नहीं हो सकता, आयोटा स्क्वायर माइनस वन ही होगा। तो जो भी हमने रूल पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स के लिए पढ़े, इमेजनरी के लिए नहीं पढ़े। तो नॉर्मली जब ये प्रॉपर्टी लिखी जाती है तो ये लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, पर क्योंकि हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो हमें इमेजनरी नंबर्स के बारे में नहीं बताया जाता तो कई बार ये चीज छूट जाती है। पर ध्यान रखिएगा कि जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मैथ्स में वो सब रियल नंबर के लिए वैलिड है, इमेजनरी के लिए नहीं है। इमेजनरी के का सिस्टम पढ़ने के लिए आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है उसकी अच्छे से स्टडी करना चाहिए, पर वो जब जब आप आईआईटी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप कैंपस गेट कैट गेट इन सब के एग्जाम दे रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना भी पढ़े तो चलेगा, क्योंकि आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि आयोटा मतलब क्या होता है। आयोटा मतलब बस आपको पता है रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा फोर इज वन। इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। तो ये नंबर सिस्टम का एक बेसिक हुआ। इस पे आप क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम में क्वेश्चन और आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था टू इज, पूछा था कि टू क्या है। ऑप्शन दिए थे, देखिएगा कितने अच्छे ऑप्शन थे। ऑप्शन ए था नेचुरल नंबर, बी इंटीजर, सी रियल नंबर, डी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने जैसे ही देखा टू तो हमें पता है टू नेचुरल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, रियल नंबर भी होता है, तो बोला क्या जाए। तो याद रखिए सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज इमेजनरी पार्ट ऑफ, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो, अगर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो तो नंबर प्योरली रियल होगा। इसका मतलब इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो था, पर अगर हमको आंसर देने की बारी आए तो हम सबसे ज्यादा करेक्ट मोर करेक्ट आंसर पे जाएंगे, ऑल आर करेक्ट, पर सिंगल अगर ऑप्शन की चॉइस करने की बात आए तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही वो भी बोलेंगे, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब वन टू थ्री, इसमें जीरो इंक्लूड कर दो, इसी में जीरो इंक्लूड कर दो तो ये होल नंबर हो गया, इसी में अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूड कर दो तो ये क्या हो गया इंटीजर, इसी में यदि आप पी बाय क्यू की फॉर्म ले लें, इसी में ये पूरा एक सर्कल समझ लो बना, इसी में अगर हम 5 बाय 6 7 बाय 4
तो ये रैशनल नंबर हो गया। इसी में अगर हम रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर ले लें तो ये इरेशनल नंबर हो गया, और इन सब से मिलके ये हो गया रियल नंबर, यानी हर तरह के नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। और इसी में अगर इमेजिनरी नंबर इंक्लूड हो जाए तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली अगर हम लॉजिकली समझें तो यहां पर टू पूछा था, सबसे ऊपर का सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर देंगे। कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नहीं होता तो हम रियल बोलते, रियल ऑप्शन नहीं होता तो हम इंटीजर बोलते, इंटीजर ऑप्शन नहीं होता तो हम नेचुरल नंबर बोलते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था जब कि तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये इंटीजर। अब इन्हीं इंटीजर से हमने एक चीज बनाई थी, अगर मान लो जीरो से हम स्टार्ट करें तो होल नंबर बोलते हैं। इसी पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4। निगेटिव इंटीजर क्या होंगे, -1, -2, -3, ये निगेटिव हो गए। क्लियर है बात। इवन इंटीजर क्या होंगे, 0, 2, 4, 6, -2, -4। ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, -1, -3। इवन या ऑड में, ऑड में भी 2 का डिफरेंस होगा और इवन में भी 2 का डिफरेंस होगा। मैं बोलूं नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिए नॉन निगेटिव में 0 इंक्लूड हो जाएगा और निगेटिव या पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं होगा।